वही ट्यूसडे के हमारे डबल हेडर में सेकेंड मैच होगा मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच, जहां हार की हैट्रिक लगाने वाली मुंबई पलटन को यूएई में होगा अपनी पहली जीत का इंतजार। तो वहीं पंजाब किंग्स लास्ट मैच में मिली जीत को बरकरार रखना चाहेगा। हेलो व्यूवर्स, क्रिकेट लाइन गुरु के प्री मैच एनालिसिस सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। भाई आज हम कवर कर रहे हैं वीवो आईपीएल 2021 के 42nd मैच को, जो शाम 7:30 बजे से खेला जाने वाला है 28 सितंबर को। अब भाई लोग, सबसे पहले तो मुंबई और पंजाब की करंट सिचुएशन पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, दोनों ही टीम्स फिलहाल 10-10 मैचेस खेल चुकी हैं और 8 पॉइंट्स एकत्रित कर लिए हैं। बड़ा डिफरेंस यहां पर यह है कि मुंबई 8 पॉइंट्स के साथ 7th पोजीशन पर बैठी है, तो वहीं पंजाब 5th पोजीशन पर बैठी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है इनका नेट रन रेट। पंजाब का नेट रन रेट काफी बेहतर है, -0.271 का नेट रन रेट पंजाब का है, तो वहीं मुंबई का नेट रन रेट है -0.551 का। तो दोस्तों, ये है मेन डिफरेंस जिसके चलते दोनों टीम्स के लिए ये मैच होता है बेहद इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों, फर्स्ट हाफ में भी पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को मात दी थी, और जिसके बाद से अगर हम टोटल एक इनका एनालिसिस करें तो 27 मैचेस अभी तक हो चुके हैं, जहां मुंबई इंडियंस जीती है 14 बार और पंजाब किंग्स का परचम लहरा है 13 बार। अब यहां शेख जायद स्टेडियम में दोस्तों सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम यानी कि रन चेस करने वाली टीम का बोलबाला रहता है मोस्टली, और ऐसे में मुंबई इंडियंस सेकेंड बैटिंग करते हुए 8 बार जीती है और पंजाब किंग्स ने रन चेस करते हुए 6 मैचेस अपने नाम करे हैं। अब वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और टीम्स को एनालाइज कर लेते हैं। दोस्तों, यहां पर पहले बात करें मुंबई इंडियंस की, तो डेफिनेटली टीम में काफी बड़े नाम मौजूद हैं, बट हाल फिलहाल कोई अच्छी पारियां खेलते नहीं दिखा है। यहां पर जो हम स्टैट्स की बात करेंगे वो हम पिछले 3 मैचेस की बात करने वाले हैं। तो इस लिहाज से हमारे जो की प्लेयर्स की लिस्ट में नंबर 1 प्लेयर है वो है क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने 3 मैचेस में 96 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 124, जिसमें एक हाफ सेंचुरी शामिल है। दूसरे नंबर पर आते हैं रोहित शर्मा, जिनके खाते में 76 रन है एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 131। दोस्तों, इनका खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कंसिडरिंग हिज इंजरी इन द लास्ट मैच। कारण पोलार्ड है हमारे तीसरे बड़े प्लेयर, जिन्होंने 43 रन बनाए हैं 3 मैचेस में एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 110। आई नो कि ये अपने रोल को जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं, बट ही कैन बी द की प्लेयर इन द अपकमिंग कॉन्टेस्ट। चौथे नंबर पर है गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए उम्दा प्रदर्शन किया है और 3 मैचेस में 8 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। और लास्ट में है ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए हैं, बट डेफिनेटली वो ऑपोजिशन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है वो 5 प्लेयर्स जो आपकी की प्लेयर्स की लिस्ट में होने चाहिए। ऑन दी अदर हैंड बात करें पंजाब किंग्स की, तो दोस्तों यहां पर भी मामला कुछ ऐसा ही है। बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े हिटर्स हैं, लेकिन हाल फिलहाल यूएई में चलते नजर नहीं आए हैं। नंबर 1 पे हमारे की प्लेयर आते हैं मयंक अग्रवाल, जिन्होंने 72 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 146, जिसमें एक हाफ सेंचुरी भी शामिल है। दूसरे प्लेयर हैं हमारे कप्तान केएल राहुल, जिनके खाते में 70 रन है एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 129। अब ये दोनों बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में काफी अच्छा परफॉर्म करते दिखे हैं। मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो संभालते हैं एडन मार्करम, जिन्होंने 53 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 101। चौथे नंबर पर है इन टीम के स्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिन्होंने 6 विकेट चटकाए हैं लास्ट 2 मैचेस में, जिसमें कि एक 5 विकेट हॉल शामिल है। और पांचवें नंबर पर हैं हमारे मोहम्मद शमी, जिन्होंने 5 विकेट अपने नाम करे हैं 2 मैचेस में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी दो ऐसे गेंदबाज हैं जो मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों एक नाम और लेना चाहूंगा, वो है रवि बिश्नोई का, जिन्होंने लास्ट मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी और पिच को ध्यान में रखते हुए वो भी काफी हद तक कारगर साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों फटाफट से पिच की रिपोर्ट पर भी गौर कर लेते हैं। तो यहाँ शेख जायद स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस ने यहाँ पर एक मैच खेला हुआ है तो वो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड है, बट पंजाब किंग्स के लिए ये ऑल टुगेदर एक नया वेन्यू होगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर हम स्टैट्स की बात करें तो 4 मैचेस ऑलरेडी यहाँ पर खेले जा चुके हैं, जहाँ 2 बार कैप्टन ने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया था और महज 1 ही बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो यानी कि टॉस जीतकर कैप्टन बॉलिंग करना पसंद करेंगे और रन चेस करना यहां पर ज्यादा बेहतर होगा। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर की, तो दोस्तों 92 का लोएस्ट स्कोर बनाया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। वहीं पे अगर हम बात करें हाईएस्ट स्कोर की, तो दोस्तों वो रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के नाम 172 रन।
बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस की अगर हम यहां पर बात करें तो स्कोर अबव 30 तीन बल्लेबाजों ने बनाया है, स्कोर अबव 40 छह बल्लेबाजों ने बनाया है और चार हाफ सेंचुरीज जड़ी जा चुकी हैं। साथ ही में दोस्तों अगर हम बॉलर्स की बात करें तो टोटल 42 विकेट्स चटकाए जा चुके हैं इन लास्ट फोर मैचेस। पेसर्स की झोली में गिरे हैं 29 विकेट्स, तो स्पिनर्स ने चटकाए हैं 13 विकेट। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस की ओर से एक छोटा सा रिप्लेसमेंट देखा जा सकता है। अगर रोहित शर्मा फिट नहीं रहते हैं तो यहाँ पर सौरभ तिवारी को इंक्लूड किया जा सकता है। इनके अलावा क्विंटन डिकॉक, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड, कृणाल पांड्या, एडम मिल्ले, राहुल चहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम अगर बात करें पंजाब किंग्स की तो यहाँ केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, दीपक हुड्डा, हरप्रीत ब्रार, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई, नथान एलिस और अर्शदीप सिंह प्लेइंग 11 में हमें दिखने वाले हैं। अब इसी के साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपनी फैंटेसी 11 की टीम की। तो दोस्तों यहां पर जो हमारी दो टीम्स बनती हैं जिसमें से पहली टीम में हो सकते हैं एज अ विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल और निकोलस पूरन। बैट्समैन में हम चूज कर रहे हैं रोहित शर्मा, कायरन पोलार्ड, एडन मार्करम को। ऑलराउंडर्स में हम कृणाल पांड्या को सेलेक्ट कर सकते हैं और बॉलर्स की अगर हम बात करें तो मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, राहुल चहर और अर्शदीप सिंह इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहां पर हमें ट्रेंट बोल्ट का भी ऑप्शन मिलता है जो कि हम टीम टू में सेलेक्ट करेंगे। वेल टीम टू की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हो सकते हैं क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल एज अ विकेट कीपर, कायरन पोलार्ड, सूर्यकुमार यादव और एडन मार्करम एज अ बैट्समैन, कृणाल पांड्या वंस अगेन एज एन ऑलराउंडर। बॉलिंग के ऑप्शन यहां पर बढ़ जाते हैं मोहम्मद शमी, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई। तो दोस्तों ये है हमारी दो टीम्स जो कि फैंटेसी 11 का हमारी बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन टीम बनती है। वेल दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टॉस के बाद अब अपनी टीम जरूर देखिएगा। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।